राजा आएगा। जय हो, सभी लोग ताली बजाएंगे। देखा जाएगा लगन बड़ा देव, लगन बड़ा देव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। यहू छुपे छुपे याद करते थे, कोया दुनिया से डरते थे, वो छुपे छुपे याद करते थे। लो अबे परदा, लो लो उसे जब इस दुनिया को, इस समाज जब निकलता था कुछ कार्य करने के लिए, तो एक डर पैदा भाव रहता था, छुप छुप कर कोई भी बात अगर बोलता है तो। अब लीजिए, लो अबे परदा, लो अबे परदा वो उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगने बड़ा देव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, इस गोंडी धर्म को मान लेना और जान लेना और मान लेना मेरे साथियों, तभी इस संसार में हम सेवा भाव का मंत्र जला पाएंगे। और ये किसी ने जाना नहीं तो उसने माना नहीं, तो उसका सेवा भाव
दुनिया में नहीं चल पाएगा मेरे साथियों। कोंडी धारा मेलो मना लेने ना, कोंडी धारा में को मना दो ने ना, मना दो ने ना रे नैना जो ने ना, और कहने लगे दुनिया कौन से इस दुनिया से हमने काले पड़े, इस दुनिया से निकाले पड़े, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्हें से लगन बड़ा देव से लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। कभी ये लिखा दुनिया ने हमें बातें नाम कर देगी। उरव शरम कर शरम अब बेत रख बैठा, शरम अब बेत कर बैठा, जो होगा देखा जाएगा। निबाड़ा देव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा निबाड़ा देव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगाने बड़ा देवते लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगाने बड़ा देवते लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोली प्रकृति शक्ति फाड़ा पहनता, जोरदार ताली बजाएंगे। इसी पश्चात मेरे साथियों, जो व्यक्ति जिस वस्तु से लगन लेगा ले, वो एक प्रकार से लत बन जाती है, उसे कहते हैं लत। अगर किसी व्यक्ति को तमाकू पीने की अगर लत बन जाए तो वो उसी में लीन रहता है। अरे कहीं नहीं किसी को भांग पीने की लत बन जाए, किसी प्रकार से अगर इसे लत बनना
इसी प्रकार से उस लत को बनाइए जिससे हमारा ये शरीर चंचल रहे और धनमान रहे खुद से। ये ना समझें कि हम खेती पाती दाना पानी से धनमान, अरे खुद तो धनमान बनिए, बलवान बनिए, आपके पास धन खुद चला जाता है मेरे साथियों। जिस दिन हम खुद धनमान और बलवान हो जाएंगे तो धन तो अपने पीछे फिरता है, कदमों पर होता है। वो कहता है कि मैं तो चाहता हूं लेकिन मुझे कोई पूछता नहीं है, और पूछता है तो बिल्कुल ऐसा पूछता है कि मैं इसका किसी पराया हूं। और ओरिजिनल आप वो से पूछते हो जिससे तुम्हारी लत है, तो वो तुमको शरीर पर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। शरीर दिन बे दिन दिन वही कहते हैं, गांजा मांगे घी, कहते हैं गांजा मांगे घी और दारू मांगे, गलत बात में लेकिन बोल है ना, तो इसीलिए और पीना हो तो पी। ये वास्तविक बात, कड़वी बात जब तक नहीं लोगों तक पहुंचेगी तब तक हमारे मानसिक गुलाम रहेंगे मेरे साथियों। इस ताला को तोड़िए और इस लत को छोड़िए। इस बात को हम समझते हैं इसलिए बीच में गैप करके आगे का पद को बोल देते हैं, पर लेकिन समझने वाले को इशारा ही काफी होता है मेरे साथियों। कुछ बातें ऐसी रहस्य छुपी हुई हैं, इसी पश्चात हम कथा की बेला पर चलेंगे। और क्या जय बड़ा देव सुख दाता, जय जोहार बिनय कर जोरी, और आकर दुख हरहूं बड़ा देव, शक्ति लीला अद्भुत है तोरी। हे बड़ा देव, तुम श्रेष्ठ सुख दाता हो, देवता आप को जय सेवा जोहार करके आकर मेरे दुखों को दूर, अगर आप लोग कुछ ना बोलो, जय सेवा जोहार ही बोलने से पूरा देश का मतलब गुणगान हो जाता है एक ही जगह से, इतना ही शब्द से। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय जोहार बोलने से, अगर गोंडवाना जय गोंडवाना अगर कोई किसी को बोल दे तो पूरे भारत देश के नाम एक ही मंत्र में जुड़ जाता है मेरे साथ को, वही गोंडवाना मंत्र, जय सेवा मंत्र। बताइए ऐसा ऐसा मंत्र खाली गोंडवाना नाम लेने से सारा जीवन धन हो जाता है, ऐसा मंत्र हमारे हीरा और मोती ने खोजकर आपके बीच में बागडोर देकर चले गए मेरे साथियों, समाज की सेवा करते करते। उसी प्रकार हम भी उन्हीं के पग पर उनके विचार को लेकर देशों और विदेशों में जाकर ये समाज को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं मेरे साथियों, ये हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा है कह के नहीं करके दिखाओ, इसी प्रकार से कहा है लिंगो जंगो ने समरी मंडा के छांव के, किसका समरी मंडा के छांव पर के नीचे 33 कोट बच्चों को क्रमवार बिठाकर, मतलब जे आप हमारे जो समाज बैठी हैं से क्रमबद्ध लाइन से बिठाल कर उनका गोत्र वंशी वाली गढ़ी किला ठाना बंटवारा किया गया मेरे साथियों। किसी के लेंटर घर में तो नहीं बिठा ले, जब तो लेंटर ही नहीं होता है। जब भी हमारे पूर्वजों ने जो भी गुजारा किया है या जो पूर्वजों के जो मकान थे वे कभी अच्छे से नहीं बना पाए, लेकिन ऐसे बना पाते थे वे, ना उसमें धूप लगती थी ना उसमें ज्यादा हवा लगती थी, खाली उसमें तो एक एक हाथ की तो दीवार चौड़ी होती थी, ऐसे पूर्वजों ने बनाकर गए हैं साथी, उन्होंने की देन है आज जो हम रह रहे हैं। इसी प्रकार से जब देवों का बंटवारा हो जाता है
वो कहां से होता है? वही जिस समाज में अगर दुख पड़ जाता है, दुख समझते हैं, तो इसी पश्चात में यही कली कंकाली धरती पर गिरकर बेहोश हो जाती है। उधर हीरा सुका पटारी लीन द्वार के पत्थर में दबकर अमर गीत प्राप्त हो गया उसको। जब कोई प्रकार से कोई कहानी लोग जब कोई दुख तकलीफ होता है तो अभी याद करते हैं, उस समय मुझे ऐसा हो गया, मैं उसके द्वारा बचा था। इसी प्रकार से वह अमर गति प्राप्त हो जाती है, उस पत्थर में दबकर उसका जीवन निछावर हो जाता है। मेरे साथियों, हीरा सुकाबाना का, हीरा सुकाबाना के लिए जोरदार ताली बजा देंगे, उसकी आत्मा के लिए। तब 33 करोड़ बच्चा गुफा के बाहर निकलने तो माँ काली कंकाली बहुत खुश हुई और 33 करोड़ बच्चों को गले लगा लिया। जब गले लगा लिया तो उसी समय शंभू गौरा नदी बेल पर, मतलब संभी गौरा एक नंदी बेल पर सवार होकर आकर पहुंचे, 33 करोड़ बच्चों को देखा और शंभू गौरा को, बच्चे को हृदय से लगा लिया, प्रेम पूर्वक उनसे समझा और कहा कि तुम गोंडवाना के लिए राजपाट संभालोगे, ऐसा कहा शंभू शेख ने। किनको? किसको कहा? हाथ उठाइए, किसने कहा? शंभू शेख ने 33 करोड़ बच्चों को गले लगकर वो भी कहने लगे कि आप इस गोंडवाना भुइया में राज करने के लिए आप लोग आए हो। उन राज करने के लिए तो बनता ही है, अगर नहीं करना तो मत करना। इसी पश्चात बहुत अच्छे कार्य करते समय विपदा परीक्षा लेता है, बिना ज्ञान के जीवन अधूरा रहता है। इसीलिए अगर ये समाज को ज्ञान की बात ना हो तो ये समाज ज्ञान का अधूरा रहता है, अधूरा नहीं रहना चाहिए। इसी पश्चात मेरे साथियों, बिना ज्ञान का जीवन अधूरा रहता है, वो कर्म करने से फल मिलता है, वही फल आनंद लायक नहीं होता। इसी प्रकार से शंभू गौरा कहने लगे, हे पुत्रो, जब तुम सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा इस गोंडवाना भुइया में नाम रहेगा, नाम रहेगा। तब आदि काल से अंत काल तक तुम्हें अधिकार रहेगा और आदिवासी मूल निवासी आप कहलाओगे, कहलाओगे, ऐसे कहने लगे मेरे साथियों, कहने लगे। गौरा शंभू बहु भाती सिखाए और 33 कोट सुत तोरी तिलक लगाए, हो ही नृप तुम धरन के राजा, सौंप ही जग को तुर समाजा। कहने लगे शंभू ने नाना प्रकार की सीख सिखाई और मिट्टी से एक तिलक लगाकर कहने लगे, अब तो हल्दी चावल का तिलक लगा रहे हैं, पहले तो मिट्टी का ही तिलक लगा लेते थे। हे पुत्रों, तुम इस धरती के राजा होंगे, यही कोयतुर गोंडियन समाज है। शंभू से कुपार लिंगो से कहने लगे, हे पहांदी पारी कुपार लिंगो, इन 33 करोड़ बच्चों को शिक्षा और दीक्षा सत्य ज्ञान दीजिए, मार्ग दीजिए,
सत्य ज्ञान को या पुनेम का सार दीजिए, ऐसे चाल चलन दीजिए, ऐसे नित्य धर्म सिखाइए, अलग अलग गोत्र वंशावली गढ़ गढ़ी किला देव बटवारा प्रदान कीजिए। ऐसे शंभु शेख पहाड़ी पारी कुपार लिंगों को कहने लगे, 33 कोट बच्चों को इस प्रकार सिखाइए करके कहा। और जीवन दाता हीरा सुखा, दान सेवा को अतुर हुका, बैठई द्वार सुत उबारे, 33 कोट सुत उचारे। यानी हे 33 कोट के बच्चों, तुम्हें हीरा सुखा पाटा रेल ने जीवन दान दिया है। तुमने जो पत्थर को ढकेल कर गिराया था, बाहर वही हीरा सुखा बाना बैठा था, वो पत्थर उसके ऊपर गिरने के कारण उसकी वहीं पर वो पत्थर में दब जाते हैं, वही दब जाने के कारण वहां पर अमर हो जाते हीरा सुखा बाना। उसी की देन है, कहते हैं कि जो कि तुम्हें हीरा सुखा बाना ने एक अंधकार से उजेला में लाकर छोड़ा है, फिर इसी पश्चात में हे कोया तोरो जीवन मरण के मरण में भी हीरा सुखा के परी पारी संतान दान हेतु अधिकृत है। देवगान बखान करने लगे, यही प्रथा तुम्हें जताई जाती है कि सभी गोंडियन समाज का अपनी सेवा करना अपना धर्म होता है। मेरे साथियों, धर्म होता है, धर्म यानी पिता होता है, भाषा यानी माँ होती है। पहचान पा रहे हैं? धर्म यानी पिता, ये समझ लेना कि अगर हमारा धर्म गोंडी धर्म खो गया तो समझ लेना हमारा पिताजी खत्म हो गया। अगर हमारी गोंडी भाषा को लोग नहीं मानेंगे तो समझ लेना हमारी माँ खत्म हो गई। तो ये बताओ, हमारी गोंडी धर्म को कौन कौन मानेगा और अपनी माँ को कौन मरने देगा, उसे बचाने के लिए कौन कौन है जो हाथ उठाएंगे? अपनी माँ को कोई मरने देगा? नहीं मरने देगा, बताइए ऐसे या कुछ तो बताइए, मरने देगा कि नहीं मरने देंगे? हमारी गोंडी धर्म की रक्षा कौन करेगा? इस संकल्प मंत्र है, पता चलो यहाँ कुछ बोल रहे हैं और घर में कुछ कर रहे हैं। उनके सपरई न पाओ भगवान री राम दोरे से निकल गए, कछु वाइया जो ही गा रही। जब भी तुम्हारे भगवान है, किसी का आलोचना नहीं है, लेकिन उसका गुणगान उसकी पत्नी खुद करती है तो तुम भी, तुम्हारा भगवान है, तुम अपने पति का गुणगान करो, क्या गलत है? गलत है तो क्यों तुम्हारो बल्दियत लिखो का आधार कार्ड में उनको राम, तुम्हारो पति को ही बल्दियत लिखेंगे ना, तो उसके गुणगान करो जेके खातिर तुम वो घर में बास कर रहे।